बाढ़ थाना के बुरहनपुर गांव में कृत यादव के घर पर बाहर के कुछ अपराधी के जमा होने की सूचना के आधार पर दिनांक 16 को रात्रि में कृत यादव के घर की घेराबंदी करते हुए छापामारी की गई। छापामारी के दौरान अलग अलग कांडों में वांछित कुल 4 लोगों को 3 देसी कट्टा 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये पूरी कार्रवाई बाढ़ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई है, जिसको जो अभी आपके साथ तस्वीर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस पूरी कार्रवाई के लिए बाढ़ थाना अध्यक्ष प्रदीप जी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को जैसा कि विदित है कि पूर्व में बुढ़नपुर में आपसी झगड़े की कुछ शिकायतें हमारे सामने आई थी, जिसमें फायरिंग की शिकायतें भी सामने आई थी, इसलिए उस क्षेत्र में बाढ़ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष रूप से निगरानी की जा रही थी। एक सूचना प्राप्त हुई कि कल शाम को विकृत यादव एक हैं वहाँ पर, पिता बालकी यादव, इनके घर पर कुछ अपराधी तत्वों का जमावड़ा है। इस प्रकार की किसी और घटना को कारित करने के लिए प्रिवेंटिव रूप में इन लोगों ने वहाँ पर एक सघन चेकिंग और छापामारी की है। इसमें एक अच्छी उपलब्धि रही है, कुल 6 अपराधी पकड़े गए हैं। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो 3 लोडेड देशी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस इन लोगों को मिले हैं, जो आपके समक्ष यहाँ पर हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें 2 व्यक्तियों की उम्र का सत्यापन किया जा रहा है और सत्यापन के उपरांत हम आप लोगों को जो फर्दर सूचना है वो दे पाएंगे। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम अमीरक यादव हैं, उम्र करीब 60 वर्ष है। कृत यादव, जिनके घर से ये कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। इसके अतिरिक्त राजेश यादव उर्फ बोचा, ये थाना हरनौत के अंतर्गत चेरोपी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दिवाकर यादव पिता वासुदेव यादव, जो घुसवरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 4ों के अतिरिक्त, जैसा कि अभी बताया गया, 2 व्यक्तियों की उम्र का सत्यापन किया जा रहा है और उसके आधार पर आगे हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि इसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से राजेश कुमार, जो चेरो ओपी के अंतर्गत रहने वाले हैं, ये इनका आपराधिक इतिहास है, 4 कांडों का आपराधिक इतिहास है। और इसमें से अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 302 IPC के कांड में ये वांछित अभियुक्त थे। तो इनकी सूचना को हम लोगों ने संबंधित थाना क्षेत्र से शेयर किया है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो आज की इनकी रही है बाढ़ थाने की टीम की, इसमें दिवाकर यादव, केसर वासुदेव यादव गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, आप सभी लोग परिचित हैं। लगभग 33 कांड इनके ऊपर पूर्व के और वर्तमान के दर्ज हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी से लेकर सामान्य झगड़ों तक के कांड हैं। वर्तमान में अभी तक की जानकारी के अनुसार कम से कम 3 कांडों में ये वांछित चल रहे थे, और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया है कि 2020 के अंतिम महीनों के बाद से ये फरार चल रहे हैं। तो ये एक इनकी जो गिरफ्तारी है वो विधि व्यवस्था की दृष्टि से और आगामी चुनाव की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बाढ़ थानाध्यक्ष प्रदीप जी, और निश्चित रूप से इस उपलब्धि के लिए हम लोग पुरस्कार का प्रस्ताव भेजेंगे। मुकामल चुनाव सर, उससे भी दिवाकर यादव को जोड़ा जा रहा है, चुनाव को लेकर नहीं। देखिए, ये एक अराजक तत्व तो है ही, जिस व्यक्ति का 30 से अधिक कांडों का विस्तृत आपराधिक इतिहास हो, चुनाव की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को पकड़ना और अगले चुनाव के समय उसका क्षेत्र में अनुपस्थित रहना सकारात्मक कदम है। उनकी अनुपस्थिति वहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज देगी, और बाढ़ थाने की जो टीम है इसकी ये उपलब्धि यही प्रदर्शित करती है कि जिन थानों में चुनाव है उनके अतिरिक्त भी अनुमंडल और जिले के अन्य थाने चुनाव को लेकर संवेदनशील हैं और अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।